रचना है मर्म एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का जन व्यापी हो जग व्यापी हो आह्वान अहिंसा का यही मुनिवर की कामना यही गुरुवर की भावना अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना यही मुनिवर की कामना यही गुरुवर की भावना अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो छत्तीसगढ़ नगरी के महामहिम राज्यपाल आदरणीय ईएसएल नरसिम्हन साहब का परम पूज्य क्रांतिकारी राजचंद्र मुनि श्री तरुण संरक्षण भूल न जाना तू ही सुबह तू ही शाम जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का रे जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का रे तरुण सागर नाम बोल रे तरुण सागर नाम बोल रे मच्छर मच्छर रायपुर के मच्छर तो जरा स्पेशल किस्म के मच्छर मैंने विचार किया मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है मनुष्य काटता है तो खानदान तक पी जाता है फिर तुमने ये कभी नहीं सुना होगा कि मच्छर ने मच्छर को काटा तुमने ये कभी नहीं सुना होगा कि मच्छर
को मचल काटा, लेकिन मनुष्य 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 को सदियों से काटता आ रहा है, जाति धर्म भाषा के नाम पर सदियों से बांटता आ रहा है। आज सबसे निवेदन, जिन लोगों ने मेरे से सवाल किया कि मुनि जी आपके पास मानने के लिए एक जोड़ा भी नहीं है, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? मानव को मानव से जोड़ना ये संत के जीवन का उद्देश्य होता है, जीवन के जीवन संदेश होता है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने, अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। अगर आप मेरा कहा माने, अपना धन बीवी बच्चों को दे देना, कोई चिंता नहीं, डोंट वरी। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपना दिल, जिसमें तुम्हारा दिल भर परमात्मा रहता है, वो सिवाय परमात्मा के और किसी को मत देना। अगर अपना दिल अपने संसारियों को दे दिया तो धोखा भी खाना पड़ेगा। तुम कहते हो ना, फला फला ने मेरे दिल को खट्टा कर दिया। अरे रामलाल, तूने अपना दिल दिया क्यों? कहते ना, फला फला आज मिले, आज मेरे दिल को खट्टा कर दिया। अरे बाबा, दिया क्यों? गलती तेरी है, मत देना। तन दे दो, मन दे दो, अपना दिल अपने सदगुरु को दो, अपने इष्ट आराध्य को दो, उसको दो, फिर ये दिल कभी खट्टा नहीं होगा, आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। संसारी और सन्यासी दोनों में फर्क है, मामूली सा फर्क। जो तन और धन की सुरक्षा में लगा है वो संसारी है, जो तन और धन की सुरक्षा में लगा है वो संसारी है, और जो मन और जीवन की सुरक्षा में लगा है वो सन्यासी है। फर्क, फर्क समझना होगा। धन की सुरक्षा करना है या मन की सुरक्षा करना है, निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। निर्णय आपको करना होगा, मुझे नहीं करना होगा। निर्णय आपको करना होगा, महापुरुष को नहीं करना होगा, आपको ही करना होगा। निर्णय आप करेंगे, बातें आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। तीन तरह की गर्मी होती है, सर्दी का मौसम है, ठंडी लगती है। ठंडी से बचाव के लिए गरम गरम कपड़े आदमी निकालता है, पर मेरा मानना तीन तरह की गर्मी होती है। एक पॉकेट की गर्मी, एक जैकेट की गर्मी है, और एक लॉकेट की गर्मी है। पॉकेट, लॉकेट और जैकेट, तीन तरह की गर्मी होती है। किसी के पास पॉकेट की गर्मी है, किसी के पास जैकेट की गर्मी है, किसी के पास लॉकेट की गर्मी है। लेकिन मुझे तरुण सागर के पास
ना पॉकेट है, ना लॉकेट है, ना जैकेट है, लेकिन जो कुछ भी है वो सुपर हिट एकदम फिट। लेकिन जो कुछ भी है वो सुपर हिट और एकदम। इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा, कल एक अखबार नवभारत के चीफ मेरे पास आए थे, बोल रहे थे मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं, आपको लगता है कि हमको ऊंचा सुनता है क्या? हम बराबर सुनते हैं, आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है उनका, आप इतना फास्ट क्यों बोलते हैं? थोड़ा आपको कहाँ जाना, कहीं जाना है क्या? एक महीना तो आप यहां रुकेंगे ना, आराम से बोलो, इतना फास्ट क्यों? मैंने कहा जोर जोर से बोलता उसकी बजाय आपके घर कुत्ता होता है, कुत्ते को आप सूखी रूखी रोटी देते हैं, आपके द्वारा दी गई सूखी रूखी रोटी खाकर जब आप रात में आराम से सोते हैं, कुत्ता भौंक भौंक कर चोरों से आपके धन की रक्षा करता है। मुझ तरुण सागर को तो आप दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, तो मैं क्यों ना भौंक भौंक कर तुम्हारे जीवन की रक्षा करूं? बोले मुनि जी आप इतना फास्ट क्यों बोलते हो? मैंने कहा भैया जमाना फास्ट का है, आज का जो नौजवान है उसको हर चीज फास्ट, फास्ट ट्रेन, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड और इसलिए फास्ट प्रवचन। मैंने नौजवान क्या चाहता है उसके मन को पहचाना, उसके मन की भाषा को पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे अपनी बात इसके दिल तक पहुंचाना है तो मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा। छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़ लेता है तो बच्चा माँ के हिसाब से नहीं चलता, बच्चे को माँ की गति से चलना पड़ता है। बच्चे को माँ को बच्चे की गति से चलना पड़ता है। बच्चा माँ की गति से, समाज ने मेरी अंगुली थाम रखी है, मुझे समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। बच्चा बहुत मंथर गति से चलता है, माँ तेज चल सकती है लेकिन उसे तो बच्चे की गति से चलना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ने माँ की अंगुली थाम, समाज ने भी तो संत की अंगुली थामी है, ये उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है अपने समाज को साथ लेकर के चले है। यह फर्ज क्या करता है उसको निभाना पड़ेगा। हमारे बहुत से सारे संत हिमालय की गुफा में जाकर बैठे हैं, मुझे लगता है समाज को चाहिए और उनको जाकर के झकझोर के कहे इस हिमालय को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत समाज को है, हिमालय को छोड़ो समाज में आओ, इस समाज को अब धुनी रमाने वाला संत नहीं चाहिए बल्कि दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए। परिवर्तन के क्षण, देश में समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक समस्या का समाधान खोजते हैं चार नई समस्याएं पैदा हो जाती है। आम आदमी पिस रहा है, भ्रष्टाचार की हो, महंगाई की हो, भुखमरी की हो, अशिक्षा की हो, आम आदमी पिस रहा है, हिंसा की हो, हत्या की हो, आम
आदमी का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैंने तय किया मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और उनके बीच अपनी बात रखूंगा। लोग मेरे से सवाल करते हैं, मुनि जी क्या आपको लगता है कि आपके प्रवचन सुनने के बाद लोग सुधर जाएंगे? मैं उनसे कहता हूं, लोग सुधरे ना सुधरे ये तरुण सागर का सिर दर्द नहीं है। कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते, मैं आवाज लगाता हूं। जागते रहो जागते रहो जागते रहो। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के बीच संदेश देता हूं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। महंगाई बड़ी, इस कदर बड़ी, आज मोबाइल सस्ता है, गेहूं महंगा है। डीजल पेट्रोल सस्ता है, सब्जी महंगी है, शराब सस्ती है, दूध महंगा है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से मैं कहना चाहूंगा कि बिना डीजल पेट्रोल के देश चल सकता है, लेकिन बगैर दूध के देश नहीं चल सकता। हम बड़े हुए तो पेट्रोल पीकर बड़े नहीं हुए हैं, दूध पीकर बड़े हुए हैं। बचपन में माँ का दूध पिया, बड़े हुए गोमा का दूध पिया। दूध पीकर के बड़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल पीकर के बड़े नहीं हुए। शराब सस्ती, वो भी पानी महंगा हो गया। अभी मैं भिलाई से आ रहा था, बीच में गांव पड़ता है चिरोंदा ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं गुजर रहा था, लेफ्ट में राइट में दो दुकान, एक दुकान पे लिखा था देसी शराब की दुकान, उसके जस्ट सामने एक दुकान थी उस पर लिखा था अंग्रेजी शराब की दुकान। मैंने कहा कैसा जमाना आ गया, संतों को भी दो शराब की दुकान के बीच में से गुजरना पड़ रहा। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, सरकार से आह्वान करूंगा, अगर प्रदेश में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगाने का साहस नहीं है तो कम से कम इतना आप जरूर करें, मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि कम से कम मेन रास्ते पर शराब की दुकान का लाइसेंस तो नहीं दिया जाना चाहिए। गली में दो, अगर लाइसेंस देना ही है आप बंद नहीं कर सकते हैं, गली में दो अंदर दो, जहां पीने के लिए कोई बंदर और ससुंदर ही पहुंच सके, कोई सिकंदर ना पहुंच सके। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। मुनि श्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5,00,000 से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें।
आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा।